भारत में आने वाली सभी नौकरियों की जानकारी और उनकी तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। इसके लिए आप गवर्नमेंट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जानकारी मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री का क्रैश कोर्स पढ़ रहे थे, तो आज हम उसका पार्ट फोर्थ पढ़ेंगे। इससे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के 3 पार्ट्स अपलोड हो गए हैं क्रैश कोर्स के। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा, उसके बाद इसे स्टार्ट कीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। और आज के इस वीडियो में हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @GovernmentNaukri लिख कर सर्च करेंगे तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहां से आप इसके PDF ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है हमारा गवर्नर जनरल के ऊपर। अगर आपने इससे पहले हमारे जो 3 लेक्चर अपलोड हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्रैश कोर्स के, अगर आपने वो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि जब हमने बंगाल के बारे में पढ़ा था कि किस तरह बंगाल पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया था, तब हमने पढ़ा था उसके बीच में प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 में हुआ था। और ये युद्ध अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला उनके बीच में हुआ था। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और सिराजुद्दौला की हार इसलिए हुई थी क्योंकि उनके जो सेनापति थे जिनका नाम था मीर जाफर, उन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था और उसी के धोखे की वजह से सिराजुद्दौला की इस युद्ध में हार हुई थी। और इस युद्ध के बाद मैंने आपको बताया था कि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपना पहला गवर्नर नियुक्त किया था जिसे बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। देखिए यहाँ पर अभी बात हो रही है गवर्नर की, गवर्नर जनरल तो इनके बाद आएंगे, वो भी आप हम पढ़ेंगे, पर इसके बाद पहले हम ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो अंग्रेजों ने अपना पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया था। और देखिए गवर्नर की पोस्ट तो चली रही थी, साथ में बंगाल के नवाब भी उस समय थे। ये सब बातें मैं आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बंगाल के जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम गवर्नर जनरल जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि रॉबर्ट क्लाइव को जो प्लासी का युद्ध हुआ था 20 जून 1757 में, इस युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। और रॉबर्ट क्लाइव का जो टाइम पीरियड था वो 1757 से लेकर 1760 तक था। और उसके बाद जब इसे दोबारा गवर्नर नियुक्त किया गया था तब इसका जो टाइम पीरियड था वो 1765 से लेकर 1767 तक था। और देखिए रॉबर्ट क्लाइव को प्लासी के युद्ध के बाद ही बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में, जब इसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया तब इसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी। और द्वैध शासन प्रणाली में ये था कि जो शासन चलाने की जिम्मेदारी थी वो नवाबों को दे दी गई थी, जो बंगाल के नवाब थे ना उस समय उनको दे दी गई थी, और बाकी जो राजस्व वगैरह वसूलने का जो पैसों से रिलेटेड जो भी काम होता था वो अंग्रेज खुद करते थे, ठीक है। तो उसे कहते थे द्वैध शासन प्रणाली जो कि रॉबर्ट क्लाइव के समय पर चलाई गई थी। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था कि बंगाल को संभालने के लिए उसने बंगाल के पूरे क्षेत्र में 2 उपदीवान नियुक्त किए थे, जिसमें से पहले का नाम था मोहम्मद रजा खान और दूसरे का नाम था राजा सिताब राय। 2 दीवान नियुक्त किए गए थे उपदीवान रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही, ठीक है, जिनमें से पहले का नाम था मोहम्मद रजा खान और दूसरे का नाम था राजा सिताब राय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में एक और बात याद रखनी कि रॉबर्ट क्लाइव ने ही जो मुगल सम्राट थे शाह आलम सेकंड, उनको इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि हुई थी जो कि 1765 में हुई थी, उसके द्वारा शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। और शाह आलम द्वितीय का टाइम पीरियड तो आपको पता ही होगा कि शाह आलम सेकंड का जो टाइम पीरियड है वो 1759 से लेकर 1806 तक था। और देखिए शाह आलम सेकंड वही हैं जिनके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर देखे हैं फर्स्ट और सेकंड, तो आपको इसका आंसर पता होगा और ये भी पता होगा कि शाह आलम सेकंड कौन है। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी थी रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। देखिए उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो बंगाल के अगले गवर्नर बनते हैं उनका नाम होता है बरलास्ट।
जब रॉबर्ट क्लाइव का जो टाइम पीरियड है वो 67 में यानी कि 1767 में खत्म हो जाता है, उसके बाद जो अगले बंगाल के गवर्नर बनते हैं वो बरेलास्ट होते हैं, और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1767 से लेकर 1769 तक होता है। और उसके बाद बरेलास्ट के बाद जो बंगाल के अगले गवर्नर बनते हैं उनका नाम होता है कार्टियर, और कार्टियर का जो टाइम पीरियड होता है वो 1769 से लेकर 1772 तक होता है। देखिए इनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट बातें आपको याद नहीं रखनी है, बस नाम आपको याद रखनी है, इसीलिए आपको बताए जा रहे हैं ताकि आपको सीरियल ऑर्डर में पता हो कि क्लाइव के बाद कौन गवर्नर बने और कार्टियर के बाद कौन गवर्नर बने, ठीक है। उसके बाद देखिए कार्टियर का जब टाइम पीरियड खत्म हो गया 1772 में, उसके बाद अगले गवर्नर बनाए गए थे वॉरेन हेस्टिंग, और वॉरेन हेस्टिंग जिनका टाइम पीरियड 1772 से लेकर 1774 तक रहा था एज अ गवर्नर, बंगाल के गवर्नर के रूप में इनका जो टाइम पीरियड था वो 1772 से लेकर 1774 तक था। और देखिए जब वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल के गवर्नर बनाया गया था तब 1773 में एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस एक्ट में ये हुआ था कि जो बंगाल के गवर्नर की जो पोस्ट थी अब उसे बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अब यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होगा गवर्नर जनरल का, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे अब यहाँ से शुरू होंगे। और अब जो गवर्नर जनरल आएंगे बंगाल के, अब जब गवर्नर जनरल आएंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, उनका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा। और जो मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे वो अब गवर्नर जनरल के अधीन होंगे, मतलब जो गवर्नर होंगे मद्रास और मुंबई के अब वो गवर्नर जनरल के नीचे काम करेंगे। अब बंगाल के जो आखिरी गवर्नर थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग, अब जब गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा तब वॉरेन हेस्टिंग ही बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बनेंगे। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वॉरेन हेस्टिंग के बारे में जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल हैं। देखिए 1774 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था, तो इसके बाद हम वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। वॉरेन हेस्टिंग का जो टाइम पीरियड था वो 1774 से लेकर 1785 तक था। और जब इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तब इन्होंने क्या किया कि जो इनका राजकीय कोषागार था जिसमें ये लोग अपनी संपत्ति वगैरह रखते थे उसे इन्होंने मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया था। पहले वो मुर्शिदाबाद में थी और जब इनका टाइम पीरियड आया एज अ बंगाल के गवर्नर जनरल तब इन्होंने क्या किया कि उसे मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले आए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात आपको वॉरेन हेस्टिंग के बारे में ये याद रखनी है कि 1772 में इसने हर जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। तो अगर एग्जाम से पूछा जाए कि फौजदारी और दीवानी अदालतों की जो स्थापना है वो किनके द्वारा की गई थी तो वो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी जब ये बंगाल के गवर्नर थे। देखिए 1772 में ये बंगाल के गवर्नर थे ना तब इन्होंने फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की थी, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल तो 1773 में बने थे ना जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 के में उसके बाद, और उससे पहले ही इन्होंने ये फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की थी 1772 में। देखिए वॉरेन हेस्टिंग के बारे में आपको इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो द्वितीय आंगला मैसूर युद्ध हुआ था वो भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर ही हुआ था। और द्वितीय आंगला मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1780 से लेकर 1784 तक चला था। और द्वितीय आंगला मैसूर युद्ध किन किन के बीच हुआ था, तो द्वितीय आंगला मैसूर युद्ध जो मैसूर के शासक थे उस समय हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, और इस युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। और इसी युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु भी हो गई थी। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि द्वितीय आंगला मैसूर युद्ध जो कि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर हुआ था और इसी युद्ध के दौरान जो हैदर अली थे जो कि मैसूर के शासक थे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। और जो द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध है वो मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और मंगलोर की संधि कब हुई थी, तो मंगलोर की संधि 1784 में हुई थी। और अगली इम्पोर्टेंट बात है जो आपको वॉरेन हेस्टिंग के बारे में याद रखनी है कि इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इस उच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है वो सिर्फ कलकत्ता तक ही था। अगर वो लोग कलकत्ता से बाहर कहीं मुकदमा चलाना चाहते हैं तो उसमें जो दो पक्ष होते हैं यानी कि जिसने केस किया होता है और जिसके खिलाफ केस चल रहा होता है, अगर वो दोनों पक्ष चाहें तभी कलकत्ता के बाहर ये मुकदमा हो सकता था। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट
पॉइंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी, और कब की गई थी, तो 1774 में की गई थी। अगर आपने हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस वाले जो लेक्चर हमने अपलोड किए हैं वो देखे होंगे, तो आपको इसका आंसर पता होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। आगे देखिए इम्पोर्टेंट बातें, आपको क्या याद रखनी है वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, कि वॉरेन हेस्टिंग ने ही 1780 में भारत का पहला जो समाचार पत्र था जिसका नाम था द बंगाल गजट, वो इसी के समय पर प्रकाशित हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर ही। और इस समाचार पत्र को किसने प्रकाशित किया था, तो इस समाचार पत्र को जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था। आगे देखिए 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में एक मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए एक मदरसा भी स्थापित किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा किन्होंने स्थापित किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने स्थापित किया था, और कब स्थापित किया था, 1781 में स्थापित किया था। और उसके बाद 1784 में क्या हुआ कि पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद ये इंग्लैंड चले गए थे, और इंग्लैंड जब ये गए थे तब 1785 में एक बर्क नामक एक अंग्रेज था, उसने इनके खिलाफ महाभियोग चला दिया था। जैसे कि हमारे इंडिया में अब होता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है ना, तभी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है ना, इसी तरीके से इंग्लैंड में वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ बर्क्स ने महाभियोग चला दिया था, और जब इनके ऊपर 1785 में महाभियोग चलाया गया, तो उसके बाद 1785 में अगले जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वो सर जॉन मैकफर्सन को बनाया गया था। देखिए जो सर जॉन मैकफर्सन थे उन्हें अस्थायी रूप से चुना गया था, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग के बाद कोई रह नहीं गया था कि अब किसे बनाया जाए, तो इसीलिए अस्थायी रूप से सर जॉन मैकफर्सन को बना दिया गया था बंगाल का अगला गवर्नर जनरल। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको और याद रखनी है वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, कि वॉरेन हेस्टिंग के ही टाइम पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं सर जॉन मैकफर्सन के बारे में। सर जॉन मैकफर्सन, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे ना, तो इसीलिए इनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम था, 1785 से लेकर 1786 तक था। इनके बारे में आपको कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना कि ये अस्थाई गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। और इसके बाद सर जॉन मैकफर्सन के बाद जो इम्पोर्टेंट पर्सन है जिनके बारे में आपको याद रखना है, उनका नाम है लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस का जो टाइम पीरियड था वो 1786 से लेकर 1793 तक था, और 1793 के बाद भी 1805 में भी लॉर्ड कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। पर जब इन्हें 1805 में नियुक्त किया गया तो एक ही दो महीने के लिए सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद सर जॉर्ज बार्लो को बंगाल के अगले गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ये सब बातें हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं आपके सिर्फ नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि इनका टाइम पीरियड 1805 में भी था पर सिर्फ एक और दो महीने के लिए ही था। और जब लॉर्ड कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया तो इसने सबसे पहले क्या किया कि जिले के जितने भी अधिकार होते थे वो सब कलेक्टर होता है उसके हाथों में दे दिया था। और इसके बाद इम्पोर्टेंट बात ये रखनी है याद आपको लॉर्ड कार्नवालिस के बारे में कि 1793 में इसने स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। स्थायी बंदोबस्त की पद्धति जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% अंग्रेजों को देना पड़ता था और 10% सिर्फ वो लोग अपने पास रखते थे। इसे कहते हैं स्थायी बंदोबस्त की पद्धति, जो कि लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी 1793 में। और लॉर्ड कार्नवालिस को ही सिविल सेवा का जनक माना जाता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन जाता है कि सिविल सेवा का जनक किन्हें माना जाता है, तो सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कार्नवालिस को ही माना जाता है। और आगे देखिए 1793 में इसने क्या किया था कि एक प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड का निर्माण करवाया था, और ये कार्नवालिस कोड शक्तियों के पृथ्वीकरण सिद्धांत पर आधारित था। और आगे देखिए कार्नवालिस को ही भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ये ऐसा माना जाता है कि जो लॉर्ड कार्नवालिस था उसने ही नागरिकों की सेवा करनी शुरू की थी, और इसने अपने कार्यकाल में ये भी किया था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे उनके व्यक्तिगत व्यापार पर रोक लगा दी थी इसने, कि वो लोग खुद कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं, उस पर रोक लगाई थी किन्होंने, तो लॉर्ड कार्नवालिस ने रोक लगाई थी। और इसके टाइम पर ही होता था कि भारतीय जो थे उन्हें कोई भी ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, जैसे कि सूबेदार का,
डिप्टी कलेक्टर का, ऐसे ऊंचे पद भारतीयों को नहीं दिए जाते थे, वो ऊंचे पद सिर्फ अंग्रेजों को ही दिए जाते थे और जो भारतीय थे उन्हें निम्न पदों पर नियुक्त किया जाता था और ये सब लॉर्ड कार्नवालिस के ही टाइम पर होता था। अब लॉर्ड कार्नवालिस का जब टाइम पीरियड खत्म हो जाता है 1793 में, अब उसके बाद समय शुरू होता है सर जॉन शोर का। सर जॉन शोर जिसका टाइम पीरियड 1793 से लेकर 1798 तक होता है, और इसके बारे में सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि इसने अहस्ताक्षेप नीति अपनाई थी, यानी कि कोई भी किसी के कार्य में दखल अंदाजी नहीं कर सकता था। वो नीति जो है वो सर जॉन शोर ने अपनाई थी, अहस्ताक्षेप नीति। अब जॉन शोर के बाद इम्पोर्टेंट पर्सन थे लॉर्ड बेल्जली। लॉर्ड बेल्जली जो कि 1798 में बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे और इनका जो टाइम पीरियड था वो 1798 से लेकर 1805 तक था, और ये अपने आप को बंगाल का शेर कहा करते थे और इसी ने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी। देखिए, पर इससे पहले भी जो सहायक संधि का प्रयोग है वो बेल्जली से पहले जो फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले उनके द्वारा किया गया था, और सहायक संधि अपनाने वाला जो पहला राज्य है वो हैदराबाद था जिसने 1798 में सहायक संधि को अपनाया था, और दूसरा राज्य था मैसूर जिसने 1799 में सहायक संधि को अपनाया था, और तीसरा राज्य था तंजोर जिसने अक्टूबर के 1799 में सहायक संधि को अपनाया था, और उसके बाद था अवध जिसने 1801 में सहायक संधि को अपनाया था, और अवध के बाद पेशवा जिसने दिसंबर 1801 में सहायक संधि को अपनाया था। और सहायक संधि में ये होता था कि अंग्रेजों और जो राज्य हैं हैदराबाद मैसूर जैसे इन सबसे एक संधि हो जाती थी कि अगर इन्हें कोई भी सहायता चाहिए होगी युद्ध के समय या अभी किसी भी प्रॉब्लम में उनको सहायता चाहिए होगी तो वो अंग्रेज इन्हें प्रोवाइड करवाएंगे, पर ऐसा अंग्रेज कुछ करते नहीं थे, सिर्फ नाम के लिए उनके साथ संधि कर ली थी, उनका सिर्फ फायदा उठाते थे। तो ये थी सहायक संधि। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको और याद रखनी है लॉर्ड बेल्जली के बारे में कि लॉर्ड बेल्जली के टाइम पर ही चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। जब चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड बेल्जली, और इसी के टाइम पर चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और अगला पॉइंट देखते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो भी लॉर्ड बेल्जली ने ही की थी। फोर्ट विलियम जो कॉलेज है उसकी स्थापना 1800 में की गई थी, और ये कॉलेज इसलिए खोला गया था ताकि जो नागरिक सेवा में भर्ती होने वाले जो युवक हैं उनको ट्रेनिंग दी जा सके, इसीलिए इस कॉलेज को खोला गया था 1800 में लॉर्ड बेल्जली के द्वारा। पर ये कॉलेज बहुत दिनों तक नहीं चला था और थोड़े ही दिन बाद ये बंद भी हो गया था। और अब यहाँ पर देखिए 1805 आ गया है, तो 1805 में दोबारा किसका टाइम पीरियड आ जाता है, लॉर्ड कार्नवालिस का। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि लॉर्ड कार्नवालिस सिर्फ एक या दो महीने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो लॉर्ड कार्नवालिस के बाद जो अगले बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं उनका नाम है सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो का जो टाइम पीरियड होता है वो 1805 से लेकर 1807 तक होता है, और इसी के टाइम पर 1806 में हुआ था सिपाही विद्रोह, बहुत ही फेमस है सिपाही विद्रोह। इसके बारे में आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, और देखिए सिपाही विद्रोह जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह किया था, और ये विद्रोह इसलिए किया गया था क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने जो भारतीय सिपाही थे उनके धर्म के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया था, इसीलिए 1806 में हुआ था सिपाही विद्रोह। ये आपको याद रखना है सिर्फ सर जॉर्ज बार्लो के बारे में कि 1806 में इसी के टाइम पर हुआ था सिपाही विद्रोह, और सिपाही विद्रोह तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है। उसके बाद देखिए सर जॉर्ज बार्लो का जब टाइम पीरियड खत्म हो जाता है 1807 में, उसके बाद टाइम पीरियड आता है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट का, और लॉर्ड मिंटो फर्स्ट का जो टाइम पीरियड होता है वो 1807 से लेकर 1813 तक होता है। देखिए इसके बारे में आप क्या याद रखना कि इसके समय में ही रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि जो कि 1809 में हुई थी, और ये संधि चार्ल मेंटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी, और उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इसीलिए कहा जाता है कि लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के टाइम पर ही रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी अमृतसर की संधि, और अमृतसर की जो संधि हुई थी ये वाला पोर्शन हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है जब हमने सिखों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध जो हुए थे वो पढ़ा था।
और ये संधि 25 अप्रैल 1809 में हुई थी, ये बात तो मैंने आपको बता ही दी। उसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखनी है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के बारे में, कि 1813 का चार्टर एक्ट जो आया था इसके टाइम पर वो याद रखना है आपको, क्योंकि 1830 का जो चार्टर एक्ट है वो इसी के समय में पास हुआ था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। लॉर्ड हेस्टिंग जिसका टाइम पीरियड 1813 से लेकर 1823 तक होता है, और इसी के समय पर हुआ था आंगल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से लेकर 1816 तक चलता है, और ये युद्ध अंग्रेजों और नेपाल के जो सेनापति थे उनके बीच में हुआ था, और इस युद्ध में ही अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। और इस युद्ध के बाद देखिए इम्पोर्टेंट बात आपको क्या रखनी है, संगोली की संधि जो कि 1816 में हुई थी, और ये संधि किन किन के बीच हुई थी, तो ये संधि अंग्रेजों के बीच और गोरखों के बीच हुई थी, और इसी संधि के बाद आंगल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था। उसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, इसी के समय में 1822 का टेनेंसी एक्ट या फिर कहें काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था, और लॉर्ड हार्डिंग ने ही मराठाओं की जितनी भी शक्तियां थी उनको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। आगे हम इम्पोर्टेंट बातें देखेंगे, बंगाल के अगले गवर्नर जनरल जो बनेंगे लॉर्ड एमहर्सन, देखिए लॉर्ड एमहर्सन का जो टाइम पीरियड है वो 1823 से लेकर 1828 तक होता है, और इसी के टाइम पर लड़ा गया था आंगला बर्मा युद्ध, और ये युद्ध 1824 से लेकर 1826 तक लड़ा गया था, और उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड एमहर्सन थे, और ये युद्ध यांडबू की संधि के बाद समाप्त हुआ था जो कि 1826 में हुई थी बर्मा और अंग्रेजों के बीच में, यांडबू की संधि। और अगला पॉइंट याद रखना है आपको लॉर्ड एमहर्सन के बारे में कि 1824 में ही बैरकपुर का सैन्य विद्रोह जो है वो भी इसी के समय पर हुआ था। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे बंगाल के अगले गवर्नर जनरल जो होंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो टाइम पीरियड था वो 1828 से लेकर 1835 तक था, बट 1833 में एक एक्ट आया जिसके तहत क्या हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे अब उन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा, ये हम बातें सब पढ़ेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में। तो चलिए देखते हैं, देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो टाइम पीरियड है वो 1828 से लेकर 1833 तक होता है, और इससे पहले भी जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है वो 1803 में मद्रास का गवर्नर था, और 1806 में जो सैन्य विद्रोह हुआ था सैनिकों का सैन्य विद्रोह वो भी जब ये मद्रास का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक उसी के टाइम पर हुआ था, और ये विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि इसने क्या किया था कि जो सैनिक थे उनको माथे पर जो वो अपने धर्म का चिन्ह लगाते थे, तिलक वगैरह जो लगाते थे, और कानों में जो बालियां वगैरह पहनते थे, उन सब चीजों के लिए मना कर दिया था। जैसे मैंने आपको पीछे बताया दिया कि ये विद्रोह इसीलिए हुआ था क्योंकि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उन्होंने क्या किया था कि सैनिकों के धर्म के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया था। अब उसके बाद देखिए जैसे कि मैंने बता दिया कि 1828 से लेकर 1833 तक बंगाल के जो आखिरी गवर्नर जनरल होंगे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक होंगे, क्योंकि 1833 में आएगा एक चार्टर एक्ट जिसके तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उन्हें अब भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। सो फ्रेंड्स इसके अगले वाले टॉपिक में हम भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और ये सब बातें हम पार्ट 5th में डिस्कस करेंगे, और इससे पहले अगर आपने हमारे 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो, उसको आप क्लियर करेंगे उसके बाद ही आपको आगे ये समझ आएगा। और भारत के जब गवर्नर जनरल के बारे में हम पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह जो भारत के गवर्नर जनरल हैं उनकी जो पोस्ट है वो वायसराय की पोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ये सब बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको आने वाली सभी जॉब्स के अपडेट्स मिलते रहेंगे, और साथ ही में आपको इनकी तैयारी भी करवाई जा रही है। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।